राजधानी देहरादून में सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ पर राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल ने शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम में बागेश्वर जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या को सूचना अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश से सूचना अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों और 3 विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 19वीं वर्षगांठ के ऊपर में राजभवन के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस संवाद के अंदर में पूरा वी टुक स्टॉक कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस मांग के ऊपर में चलना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सूचना आयोग बहुत ही अच्छी कार्य कर रहा है और आज एक बहुत सुंदर स्टेप किया गया कि जो भी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि आरटीए संस्था के अंदर में हमने एक सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया। हमारे लिए सबके लिए चैलेंज है कि किस प्रकार हम पूरे जो राइट टू इंफॉर्मेशन और इसका कार्यशाली है उसके अंदर में क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म लेके आए। और मुझे बहुत खुशी है, आई पर्टिकुलरली अप्रिशिएटेड देम कि इन्होंने जिस प्रकार से आरटीआई का पोर्टल और ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा, समय समय के ऊपर हर महीने के अंदर में 2 बार कार्यशाला की जाती है। जब कहीं पर भी संवाद होता है, कार्यशाला होती है, एक डिज़ायर होता है कि किस प्रकार हम सिस्टम को इम्प्रूव करें। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, खासतौर पर हमारी महिला हैं, वो किस प्रकार ये जो अभियान है आरटीआई का इसके अंदर में जुड़े, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई विचार, कोई सोच, जहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसका मकसद होता है कि हम किस प्रकार से अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस, जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इम्प्रूव कर सकें।